नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं अनैत टीवी लाइव। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नरसिंहपुर विधानसभा में प्रहलाद पटेल अपने जीवन के पहले विधानसभा चुनाव 32,095 मतों से विजय हुए हैं और इस जीत में उनके छोटे भाई जालम सिंह पटेल का बड़ा हाथ माना जा रहा है। प्रहलाद सिंह पटेल ने अपनी जीत अपने भतीजे स्वर्गीय मणि नागेंद्र सिंह पटेल मोनू पटेल को समर्पित की है। मीडिया से चर्चा करते हुए प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि ये जीत आसान नहीं थी, ये बेहद परिश्रम की जीत है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत मोदी मैजिक का कमाल है। मैंने पहले ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 2003 के परिणामों को दोहराएगी और अब आंकड़े आपके सामने हैं, जो मेरे कथन की पुष्टि करते हैं। मैं 20 साल पहले विधानसभा चुनाव में इन्वॉल्व हुआ था और 20 साल बाद 2023 में हुआ हूं। परिणाम 2003 के समान है। सर, 30,000 से अधिक वोटों से आप जीते हैं, सर क्या कहेंगे? नरसिंहपुर की ये जीत हमारे प्रिय मोनू भैया को हम समर्पित करते हैं। ये चुनाव हम लोगों के लिए आसान चुनाव नहीं है और इस चुनाव में जिस परिस्थितियों में ये विजय हासिल हुई है, इसमें मैं अपने अनुज को और पूरे परिवार के लोगों को, उनने जो मूल्य स्थापित किए हैं, इस बात के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जहाँ तक सवाल राज्य की चुनाव परिणामों का है, आप सबके बीच में भी मैंने ये बात कही थी कि हम 2003 को 2023 में पुनरावृत्ति होते देख रहे हैं और वह परिणाम आज सामने है। मैं मां नर्मदा के चरणों में नमन करते हुए उनकी कृपा के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरी बात मैंने कही थी कि हम पांचों राज्यों में पिछले परिणाम से बेहतर परिणाम देंगे। भारतीय जनता पार्टी 4 राज्यों में जो परफॉर्मेंस आया है, उसके लिए मैं पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जीत का श्रेय अगर मैं किसी को दूंगा तो सिर्फ मोदी का नाम का मैजिक है, जिसने ये ऐतिहासिक विजय का मार्ग प्रशस्त किया है। उनके काम करने की प्रणाली, गरीब कल्याण के प्रति उनका संकल्प, मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए जो उनकी निष्ठा है, आने वाली पीढ़ी का जीवन वर्तमान के पीढ़ी से बेहतर हो उसके लिए वो सोचते हैं, और साथ में देश की जो कृषि प्रधान व्यवस्था है उस सब के लिए उनको सम्मान मिले, साथ में उनके परिश्रम से पैदा हुई उपज का सही मूल्य मिले, ये काम मोदी जी ने करके दिखाया। लेकिन सिर्फ भौतिक चीजें दुनिया में सुख और शांति नहीं देती, ये मोदी अच्छी तरह से जानते हैं और उन्होंने इसलिए विकास के मॉडल में विरासत को सदैव साथ रखा है। कांग्रेस के साथ में अगर कोई अभिशाप है तो आजादी के 75 साल में कांग्रेस ने हमेशा विरासत के प्रति दुराग्रह रखा है। आज दुनिया अगर लोहा मान रही है मोदी जी के नेतृत्व का, तो वो सिर्फ इसलिए कि उनकी विचार की निष्ठा ऐसी है जो शांति स्थापित करने के लिए है और दुनिया में परिवार को अपना कुटुंब मानने के लिए है। इस विचार की ताकत ने और विकास के मॉडल ने हमको वो भरोसा दिया है कि आज दुनिया में मोदी जी का नेतृत्व माना जाता है। हम भाग्यशाली है कि हमें मोदी जैसा नेता मिला है, उनकी नीतियां मिली हैं और हमारा विचार ऐसा विचार है जो भारत माता को यशस्वी बनाना चाहता है, और इसलिए हम सब आप गौरवान्वित हैं। मैं मध्य प्रदेश की जनता को दोनों हाथ जोड़कर उनका आभार व्यक्त करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं कि आपने जो प्रचंड बहुमत दिया, भारतीय जनता पार्टी आने वाले 5 वर्षों में मध्य प्रदेश को देश में नंबर 1 का राज्य बनाने के लिए काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी में मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, जब चुनाव के बीच में मुझसे प्रश्न किया गया था, पार्टी भूमिका तय करती है। पार्टी ने जिस नीति के तहत ये चुनाव लड़ा, सामूहिक नेतृत्व में ये चुनाव परिणाम आए हैं, पार्टी के फैसले का हम सबको इंतजार करना चाहिए। ओबीसी का वोट बैंक बढ़ा है, जहां जहां आप गए थे वहां क्या स्थिति है? मुझे खुशी है कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में मैं गया था, अधिकांश वहां पर हमने विजय हासिल की है, और जो पिछड़े पिछड़े का राग लाते थे, जिनकी जात का पता नहीं था, तो मोदी जी के जाति का पैमाना सफल हुआ है। जाति है गरीब की, जाति है मातृशक्ति की, जाति है युवा की और जाति है किसान की, बाकी जातियां गौण हैं
बंटवारा और कमजोर करने वाली है, मोदी ने इसको नहीं चलने दिया। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी बड़े आरोप लगाते थे और जीत का दावा करते थे। कमलनाथ की जात का भी पता नहीं है, इसलिए मुझे लगता दावा कर रहे थे ये भ्रम फैलाने की कोशिश थी जो कांग्रेस की आदत है, और ये भ्रम टूटा, और ये टूटा है कि जो मोदी कहते हैं वो करते हैं, इस भरोसे ने सारे भ्रम को समाप्त कर दिया। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, बने रहे अनंत टीवी लाइव के साथ। नमस्कार।